हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन के बारे में। बता दें कि 2021 में होने वाले ऑस्कर अवार्ड के लिए द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज ने दुनिया भर के लगभग 819 कलाकारों को चुना है ताकि वोट किया जा सके, और इनमें ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही भारत के करीब 8 लोग और भी हैं इसमें। बात यह है कि इन लोगों को जिन फिल्मों की वजह से एकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया है, उनमें आशुतोष गोवारिकर की लगभग 3 फिल्में शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड के कनेक्शन से आशुतोष गोवारिकर जुड़ चुके हैं। बात करते हैं उनकी पहले फिल्म की, तो वो है ऋतिक रोशन की। बता दें, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोधा अकबर साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी प्यार भी दिया था। ऋतिक रोशन, जिन्हें अकेडमी की तरफ से ये न्योता मिला है, देखते हैं कि वो इसे स्वीकार करते हैं कि नहीं। ऋतिक की एक और फिल्म सुपर 30 और जोधा अकबर, दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें इसमें शामिल किया गया है। जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय बच्चन फीमेल लीड में मेन किरदार में नजर आई थी। वहीं बात करें सुपर 30 की, तो सुपर 30 में ऋतिक रोशन एक मैथमेटिशियन के रूप में नजर आए थे। इसके अलावा भारत के करीब 8 और लोगों को न्योता मिला है। अगर ये लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ऑस्कर में वोट करने की प्रक्रिया में ये भी शामिल हो जाएंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।